ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने सोम प्रदोष व्रत की कहानी जानी थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि भगवान शंकर की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, तो कैसे करें सोम प्रदोष पर भगवान शिव को प्रसन्न। सोम प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान सूर्य की आराधना करनी है। भगवान सूर्य को जल का अर्घ प्रदान करना है। भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। पोष मास चल रहा है, भगवान सूर्य की आराधना निश्चित तौर पर संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली मानी जाती है। उसके पश्चात पास में जो भी आपके शिवालय हो, भगवान शिव का मंदिर हो, वहां जाकर भगवान नंदी जी की, भगवान गणपति की, भगवान कुमार कार्तिकेय की, माता गौरी की पूजा कीजिए, नाग का पूजन कीजिए। उसके बाद शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर पंचामृत यानी कि कच्चा दूध, दही, शहद, देशी घी और शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। शास्त्रों में अनेक प्रकार के द्रव्यों से शिवलिंग का अभिषेक करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान शिव जो है वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आप रोग से पीड़ित हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपके लिए पुष्प युक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, धन की कामना करना चाहते हैं, तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और यदि आप जीवन मरण से मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो तीर्थ स्थान के जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और वहीं यदि आप निसंतान हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो दुग्ध मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और यदि आप तेज बुखार से पीड़ित हैं, काफी इलाज के बाद भी आपका बुखार खत्म नहीं हो रहा, टाइफाइड जैसे बीमारी से आप पीड़ित हैं, बार बार बुखार आपको आता है, तो ठंडे पानी की धारा से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। वहीं यदि आप वंश वृद्धि से चिंतित हैं कि आपकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए निरंतर शुद्ध देशी घी की धारा भगवान शिव के ऊपर छोड़ते जाइए। वहीं यदि आप डायबिटीज जैसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और उससे मुक्ति चाहते हैं, तो दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। वहीं यदि आप गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, मुकदमों से परेशान हैं, तो सरसों से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आरोग्य प्राप्ति के लिए, पूर्ण स्वास्थ्य सुख प्राप्ति के लिए शुद्ध देशी घी से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और दीर्घायु होने के लिए, पूरे 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करने के लिए गौ माता के दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के पश्चात में भगवान शिव को बिलपत्र अर्पण करें, गंध अर्पण करें, अक्षत अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, धूप अर्पण करें, दीप अर्पण करें, भोग अर्पण करें, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि अर्पण करें। और शिवलिंग पर जब भी आप जल अर्पण करें, अक्षत अर्पण करें, बिलपत्र अर्पण करें, उस वक्त बम 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 बीज मंत्र का जाप अवश्य कीजिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। कनेर, धतूरा, आक, शमी के पुष्प, शंख पुष्पी, अपामार्ग, कमल, चमेली, नाग केसर, बेला, पलास, बेल पत्ता, नील कमल, लाल कमल इत्यादि जो भी उपलब्ध हो वो चढ़ाइए। संपूर्ण दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। इन मंत्रों में आप महामृत्युंजय के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम तंबिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मत्योर्मुक्षीये मां मृता। तंबिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मत्योर्मुक्षीये मां मृता। दुर्भुव स्वः ॐ जुं सः ॐ।
मृत्यु को जीतने वाला मंत्र है। संध्या समय में फिर से स्नान करके भगवान शिव की षोडश उपचार पूजा कीजिए। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाइए, आरती कीजिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत की जो पूजा है वो संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाली मानी जाती है। अपने जो भी आपका व्यस्त समय है उस समय में से कुछ समय भगवान की आराधना के लिए निकालिए। निश्चित तौर पे जो 84 लाख योनों के पश्चात में जो आपको मनुष्य जीवन मिला है उस जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। तो पंडित जी, जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सभी को आपने सोम प्रदोष व्रत की जो विधि थी, पूजा विधि, वो तो उससे तो आपने अवगत करा दिया। लेकिन पंडित जी, सोम प्रदोष के दिन एक विशेष प्रयोग भी किया जाता है। तो जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सभी को वो जो प्रयोग है, वो जो दिव्य प्रयोग, वो प्रयोग बताएं। आइए आज जानते हैं सोम प्रदोष के दिन किए जाने वाला एक विशेष प्रयोग। तो दोस्तों, क्या आपको पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है? क्या आप बेरोजगार हैं? लाख प्रयास करने के बाद भी आपको मन चाही नौकरी नहीं मिल पा रही है? क्या आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा मंदा चल रहा है? क्या आपको अपना स्वयं का मकान बनाने में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप अपने पुत्र अथवा पुत्री के विवाह में हो रही देरी से चिंतित हैं? क्या आपको लगता है कि आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो मित्रों, आज मैं आपको आपके मन चाहे कार्य को सिद्ध करने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ प्रयोग बताने जा रहा हूं। इस प्रयोग को सोमवार का दिन हो, प्रदोष व्रत का दिन हो, वहां से 40 दिन तक करें। स्वयं देखें, आपका मन चाहा कार्य बगैर किसी रोक के रुकावट के पूर्ण होगा। इस प्रयोग में बहुत विशेष मंत्र की एक भूमिका है जो मैं दुर्लभ मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, और मेरा दावा है कि यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। आप लिख लीजिएगा इस मंत्र को, आपके टीवी स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है, मैं 2 बार इस मंत्र को बोलूंगा, आप समझ लीजिएगा। ओम श्रीम क्लीम लोम व्योम श्रीम श्रीम मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। वापिस मैं एक बार उच्चारण करता हूं, ओम श्रीम क्लीम लोम व्योम श्रीम श्रीम मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूर्ण श्रद्धा से परमेश्वर शिव का ध्यान करें। संध्या समय में स्नान करने के पश्चात सफेद वस्त्र धारण करें, यथा संभव सफेद आसन का इस्तेमाल करें। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भगवान शिव का पूजन करें। शिव के पूजन के पहले मस्तक पर चंदन अथवा भस्म का त्रिपुंड अवश्य लगा लीजिए। पूजन के पहले शिवलिंग पर जो भी चढ़ावा है उसे साफ कर दीजिए। सर्वप्रथम किसी पार्थिव शिवलिंग अथवा घर में विराजित 12 शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराएं। छाछ अथवा दही से रुद्राभिषेक करें। शिवलिंग को विधिवत सामर्थ्य अनुसार पंचोपचार, दशोपचार अथवा षोडश उपचार पूजन करें। श्वेत चंदन अर्पण करें, घी का तिलक लगाएं, चावल चीनी दूध दही अर्पण करें। तत्पश्चात में कमल का पुष्प शिवलिंग पर अर्पण करें। कमल गट्टे की माला लेकर दाएं हाथ से रुद्राक्ष अथवा सफेद चंदन की माला भी काम में ले सकते हैं। उस मंत्र का आप जाप कीजिए। पूजा और जाप संपूर्ण होने के पश्चात जो कमल गट्टे आपने हाथ में ले रखे हैं, गुलाबी कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उस पोटली को अपने पूजा घर में रख दें। अगले सोम प्रदोष आने पर पुनः इसी प्रकार पूजा करके कमल गट्टों को अपनी तिजोरी में संभाल कर रखें। उन कमल गट्टों को संभाल कर रखने से निश्चित तौर पर आपके जीवन में जितने भी हर्डल्स हैं, रोक हैं, रुकावटें हैं, वो खत्म होगी। जीवन के हर सेक्टर में, हर वर्ग में सुख शांति और समृद्धि का संचय होगा। तो सरल सा उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको जरूर से पसंद आया होगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी कुछ जानकारी देने के लिए सोम प्रदोष व्रत के बारे में। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।